गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक एस्ट्रापेडिक बाइलरी अट्रेशिया। बाइलरी मीन्स बाइल डक्ट्स एंड गॉल ब्लैडर्स। अट्रेशिया मीन्स ऑब्स्ट्रक्शन और एब्सेंस ऑफ ह्यूमन इन कॉजिनेंटल ड्यूरिंग डेवलपमेंट और इन्फ्लामेशन के कारण ये कंडीशन डेवलप होती है, जैसे कि इस डायग्राम में है ब्लॉकेज या एब्सेंस। बाइलरी अट्रेशिया इज ऑब्लिट्रेशन ऑफ हाइपोप्लेशिया इन वन मोर कंपोनेंट ऑफ बाइल डक्ट्स ड्यू टू अरेस्टेड डेवलपमेंट इन फिटल लाइफ रिजल्टिंग इन पैरासाइटिंग जॉन्डिस लीवर डिमेंड एंड रेंजिंग फ्रॉम बाइलरी स्टेसिस ऑफ बाइलरी सिरोसिस प्रोग्रेसिव पोर्टल हाइपोटेंशन विद स्पिनोमेगेली। यानी अगर बाइल अट्रेशिया होगा तब बाइल के इंटेस्टाइन तक नहीं पहुँचेगा, जिसके कारण से कि वह लीवर को डैमेज करेगा, जिसके कारण से कई कंडीशन डेवलप होती है, जैसे लीवर डैमेज होता है या लीवर सिरोसिस हो जाएगा या बाइलोसिस सिरोसिस हो गया या पोर्टल हाइपरटेंशन हो गया। ये सारी कंडीशन डेवलप होती है बाइलरी अट्रेशिया के कारण। अब लेते हैं हम इंट्रोडक्शंस। बाइलरी अट्रेशिया इज कैरेक्टराइज्ड बाय ओब्लिट्रेशन और डिसकंटिन्यू ऑफ एक्स्ट्रा हेपेटिक बाइलरी सिस्टम रिजल्टिंग इन ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ बाइल फ्लो। यानी अट्रेशिया जैसे बताया आपके ओब्लिट्रेशन या डिसकंटिन्यूटी ऑफ एक्स्ट्रा हेपेटिक बाइलरी सिस्टम के अंदर, यानी एब्सेंस हो गया या ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, जिसके कारण से बाइल फ्लो रुक जाता है। मोस्ट कॉमन कॉज सर्जिकल ट्रीटेबल कॉज कोलेस्टेसिस इन न्यूबॉर्न इफ इज नॉट करेक्टेड सेकेंडरी बाइलरी सिरोसिस। एम्ब्रियोलॉजी क्या होती है? द बाइलरी सिस्टम ओरिजिनेटेड फ्रॉम द हेपेटिक डाइवर्कुलम ऑफ द फोरगट इन 4 weeks gestation। द डिफरेंशिएशन इनटू द क्रैनियल एंड कॉडल कंपोनेंट विच गेव राइज टू द इंट्राहेपेटिक एंड एक्स्ट्रा हेपेटिक बाइल डक्ट्स रेस्पेक्टिवली। ग्रुप्स आइसोलेटेड बाइलरी अट्रेशिया असिस्ट विद साइटस इन्वर्शन एंड पॉलीस्पिनिया, यानी एस्पिनिया विद विदाउट और कॉन्जिनेटल एनोमलीज, जैसे कि पोस्टनेटल फॉर्म, फिटल और एम्ब्रियोनिक फॉर्म, जैसे होगी अकाउंट्स में ऑफ यानी 65-90% केसेस और फिटल्स में 10-35 केसेस। अब क्लासिफिकेशन ऑफ जिसको बोलते हैं 4 एनाटॉमिकल टाइप्स ऑफ बाइलरी अट्रेशिया। फर्स्ट ऑब्लिट्रेशन इन कॉमन बाइल डक्ट। द प्रोक्सिमल डक्ट्स आर पेशेंट। टाइप सेकेंड में क्या होता है? टाइप सेकेंड यानी हेपेटिक टक, यानी कॉमन जो अट्रेशिया है वो कॉमन हेपेटिक टक में है। यानी टाइप एलएल इज अट्रेशिया हेपेटिक डक इज द सिस्टिक बाइल डक्ट फाउंड एट द पोर्टा हेपेटिस। टाइप थर्ड में इज अट्रेशिया ऑफ द सिस्टिक डक, कॉमन बाइल डक एंड हेपेटिक डक, ये तीनों ही इसमें आ गए। सॉरी, टाइप थर्ड अबाउट 90% पेशेंट अट्रेशिया कर द पोर्टल हेपेटिस शुड नॉट बी कंफ्यूज इंट्रा हेपेटिक बाइलरी हाइपो प्लेजिया ग्रुप ऑफ डिस्निक एंड सर्जिकल नॉन करेक्टेबल डिसऑर्डर। जैसे कि डायग्राम में पोर्टा हेपेटाइटिस। फर्स्ट में जैसे अट्रेशिया इज कॉमन बाइल डक्ट, देन डायग्राम सेकेंड ए बी में जो है अट्रेशिया इज कॉमन हेपेटिक डक्ट, थर्ड तीनों तरफ जो है अट्रेशिया प्रजेंट है। पोर्टा हेपेटिक में, हेपेटिक डक्ट में, बाइल डक्ट में। वेरिएंट्स ऑफ डक्टल एनाटॉमी इन बाइलरी अट्रेशिया, जैसे कि इस डायग्राम में दिखाया गया अट्रेशिया कंडीशंस, फर्स्ट सेकंड थर्ड। पैथोफिजियोलॉजी ऑफ इटियोलॉजी मल्टी फिक्रो जेनेटिक इंफ्लामेटरी इन्फेक्शंस, इन्फेक्शन एजेंट कॉजिंग डक्ट ऑब्लिगेशन एज बी एविडेंस ऑफ इंफ्लामेटरी लीजन। रियोवायरस टाइप 3, यूट्रोवायरस एंड साइटोमेगलोवायरस CMV। अदर कॉजेज इंक्लूड बाइल डक्ट इसीमिया हो गया, एबन बाइल एसिडमेटोलॉजी हो गया, पेनक्रेट प्रोबायोलॉजी, मेलिजेक्शन हो गया, इन्वॉल्वमेंट टॉक्सिन्स, कॉन्जेनेटल एनोमलीज एसोसिएट विद बाइलरी अट्रेशिया, जैसे माल रोटेशन है, प्रोडिनियल पोर्टल वेन है, पोलिस्पिनेनिया है, इंटररप्टेड इन्फ्रावेनाकोवा है, एजीएसएस कंटिन्यूशन है, कार्डिक मालफंक्शन है। एपिडेमोलॉजी ऑफ हाइएस्ट इनेशन पॉपुलेशन बाइलरी अट्रेशिया अकर बिटवीन 1 in 10,000 एंड 1 in 60,700 लाइफ बर्थ, मोर कॉमन फीमेल्स देन मेल्स। लॉन्ग टर्म सर्वाइवल रेट ऑफ इन्फेंट विद बाइलरी अट्रेशिया फॉलोइंग प्रोटोटोरोस्टोमी 47-60% एट 5 years, 25-35% एट 10 years। द फिटल पेरिटल फॉर ऑफ एविडेंट इन द फर्स्ट 2 weeks ऑफ लाइफ।
The postnatal type present in infants age 2 to 8 weeks. Diagnosis. History. Jaundice, dark urine and light stools. In most cases, alcoholic stools are not noted at birth but develop over the first few weeks of life. Appetite, growth and weight gain may be normal during the first few weeks of life. Easily handling. Hepatomegaly may be present early of the liver of the open form of the heart population. Splenomegaly is common. Enlarging spleen suggests progressive cirrhosis with portal hypertension in fetal and neonatal form. Polysplenia, asplenia syndrome. Midline liver may be palpated in the epigastrium. Cardiac marasmus associated cardiac anomalies. Important points kya kya hai isme? Direct hypobilirubinemia is always abnormal. Finding may be present from birth at the fetal embryonic form. Considered biliary atresia in neonates with direct hyperbilirubinemia. Physiological conjectured bilirubinemia rarely persists beyond 2 weeks. Infant with prolonged physiological jaundice must be evaded at the cause. A high index suspect is key making diagnosis because surgical treatment as to month has clearly to solve the problem. The likelihood is determined by flow. Even development irresistible biliary cirrhosis. Left serum bilirubin total and direct jaundice hoti hai. Alkaline phosphate. Infant show be moderate elevation total bilirubin which commonly 6 to 12 mg/dL with the direct fraction commercial 50 to 60 total serum bilirubin. Alkaline phosphate 5 neoleptic gamma glucotransferase serum aminotransferase serum bile acids serum alpha 1 antitrypsin with p tripping. Alpha 1 trypsin deficiency is most common antiatric liver disease that present with neonatal cholestasis. Severe chloride bile tract involvement is well recognized complication cystic fibrosis. Imaging studying ultrasonography excludes specific anomalies of the extrahepatic biliary system. Particular colloidium cyst bilateral may be demonstrated. Absence of gallbladder, no dilation of biliary tree. Sensitive and specificity do not exceed 80%. Gallbladder goes straight. This is ultrasonography. Gallbladder length less than 1 cm come. A thin, instinct gallbladder wall, irregular lobular control, 97% sensitive and 10% specific of biliary atresia. Hepatobiliary skin tree scanning using technical labeled disopropyl aminodiacetic acid. Intestine excretion radio label confirm patency of the extrahepatic biliary system. If time allow, the all jaundice infant undergoing hepatobiliary skin graphy should be retreated and barbital 5 mg/kg/day 5 days before the study. Sensitive hepatobiliary skin graphy high, the specific 93 specific and 94 to 6 accurate in the diagnosing biliary atresia following pre-treatment with no barbiturone. Disadvantage, reliability in sensitivity scan diminished at very high conjectured biliary level above 20 mg/dL, 10% rate be false positive, false negative diagnostic errors. MRCP, incomplete vasculation in the extrahepatic biliary system, sensitivity and specificity of 90% and 75% respectively. Endoscopic retrograde cholangiopancreatography. Percutaneous liver biopsy, most accurate non-surgical diagnostic test hota hai. Different between extraction of hepatic salivate causes of cholestasis with 90% sensitivity and specific of biliary atresia. Bile ductor proliferation in the liver biopsy is considered diagnostic for biliary atresia. Intraoperative cholangiography, a deposited anatomy and potency of the extrahepatic biliary tract. Management, surgical intervention management only mechanism of definite diagnosis. Intraoperative cholangiogram therapy, meaning KSI, portoenterostomy, meaning KSI hepatoportoenterostomy is performed as a surgical intervention hota hai, select in case of extrahepatic biliary atresia. Preoperative oral supplementation with fat soluble vitamins and intramuscular injection with vitamin K should be considered. During the operation, fibrotic biliary tract remained adipose by potency while the system is assessed.
in case of which Valery potentially assisted with ductal hypoplasia, further surgical intervention in death, while we collected elevated disorder while metabolism. The most cases of atresia, dissection into the portal hepatis, creation of hydroxyanemia, anastomosis with 35 cm to 40 cm retrocoli injection, jejunal segment of the procedure of the choice. कैसा ही प्रोसीजर, इस प्रोसीजर में करते हैं, इसमें पहले क्या करते हैं, इन्फेंट शुड बी प्लेस सुपाइन, सुपाइन पोजीशन में पहले इन्फेंट को हम पोजीशन देते हैं, लेटाते हैं सॉरी. राइट अपर एब्डोमेन इंसिजन गिवन, राइट अपर जो एब्डोमेन है उसमें हम इंसिजन देते हैं, यानी चीरा लगाते हैं और सर्च करते हैं स्प्लीन को. एब्सेंस द स्प्लीन ऑफ द फाइंडिंग द पॉलीस्प्लीनिया कैन अलर्ट द सर्जन. अगर एब्सेंट है स्प्लीन तो हम फाइंडिंग करते हैं पॉलीस्प्लीनिया कंडीशन को और अलर्ट करते हैं सर्जन को. टू द प्रेशर ऑफ इम्पोर्टेंट एसिड एनोमलीज, कोई एक कोई मुख्य जो लीड करती है किसी अदर प्रकार की एनोमलीज को. नेक्स्ट द लीवर बाइलरी स्ट्रक्चर द पोर्टा आर इंस्पेक्टेड, लीवर सी नोडुलर एंड फाइब्रोटिक विद ग्रीनियस कलर. इफ रूडिमेंट्री फाइब्रोस गॉलब्लैडर इज नोटेड एट इनिशियल एक्सप्लोरेशन एंड इफ इट क्लियरली हैज नो ल्यूमेन, डायग्नोस ऑफ बाइलरी एट्रेसिया हैज बीन कन्फर्म्ड एंड द ऑपरेशन कैन बी प्रोसीज्ड विद डिसेक्शन ऑफ द पोर्टल प्लेट. इफ द गॉलब्लैडर नॉर्मल, अगर गॉलब्लैडर नॉर्मल है देन फ्लूइड ऑफ ल्यूमन ऑफ गॉलब्लैडर एस्पिरेट, तो गॉलब्लैडर से जो ल्यूमन से वो फ्लूइड एस्पिरेट करेंगे. इफ फ्लूइड वाइट प्रोसीज पोर्टल प्लेट डिसेक्शन, अगर फ्लूइड वाइट है तो प्रोसीज करेंगे पोर्टल प्लेट डिसेक्शन को. इफ फ्लूइड डार्क, अगर डार्क है देयर इज ए नो डेप्थ इंट्रा ऑपरेटिव कोलेजन ग्राम इज डन. If contrast flow fairly out to the duodenum into the intrahepatic bile duct, then the patency of biliary tree has been established and the diagnosis of biliary atresia included. Duodenum और gallbladder का atresia जो कि contrast में दिखाया गया है attach है. In the skinnier you wedge liver biopsy should be performed. इस conditions में हम जो है skinnier a wedge liver biopsy देते हैं, should be performed. ए कैलेंजियोग्राम कैथेटर रिमूव्ड द कोलेस्टोमी कोलेसिस्टेक्टोमी क्लोज्ड ऑफ द ऑपरेशन कंक्लूड. द पेरिटोनियम ओवरलाइंग ऑफ द हेपेटोडुडिनियम लिगामेंट इज ओपन्ड टू एलो आइडेंटिफिकेशन ऑफ द स्ट्रक्चर इन दिस एरिया. द फाइब्रोस रिमानेंट ऑफ डाइस्टल कॉमन बाइल डक्ट इज ऑफन प्रेजेंट हेयर. एज डिसेक्शन कंटिन्यू प्रॉक्सिमली द बाइलरी रिमानेंट डेवलप्स इन टू द कोन ऑफ फाइब्रोटिक टिश्यू that is located the bifurcations of the main portal vein into the left and right branches. Most important landmark during the dissections of the portal plate and should be goal every dissections. The bifurcations of the portal vein should be used as landmark such cases where the biliary remnant एंड पोर्टल प्लेट आर डिफिकल्ट ऑफ आइडेंटिफाई, जैसे कि इस डायग्राम में दिखाया गया है पोर्टल प्लेट. आफ्टर पोर्टल प्लेट डिसेक्शन रॉक्स लिम्प इज कॉन्ट्रेक्टेड, जैसे ही हमने पोर्टल प्लेट को डिसेक्ट किया रॉक्स लिम्प इज क्या कॉन्स्ट्रेक्टेड हो जाता है. प्रॉक्सिमल जेजुनम इज आइडेंटिफाइड एंड ट्रांसेक्टेड अबाउट 10 सेंटीमीटर डायस्टल टू द लिगामेंट टू ट्रेड्स. The distal end and distend of the right upper quadrant is overseen and the rock slip is measured 40 to 50 cm. At this location end to side jejunal anastomosis is created with interrupted absorbable sutures. The overseen sinus and the rock slip is carefully broken into the right upper quadrant via a small defect created as a square portion of the transfer mesocolon. Next, this side of the rock slip is opened. The proctectomy, proctorestomy is created. Mesenteric defect created by constructions of the rock slip and the ancular of the rock slip to the edge of the defect of transverse mesocolon. Small closed section drain is placed near the orsoenteric anastomosis and wedge liver biopsy is routinely performed. दिस डायग्राम एनास्टोमेसिस कंडीशन जैसे कि दिखाई गई है इसमें
पोस्ट ऑपरेटिव केयर में क्या करते हैं, ड्रेनेज गैस्ट्रिक सिक्रेशन को बाहर निकालने के लिए ड्रेनेज ट्यूब डालते हैं, विद नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब डालते हैं। फर्स्ट डे 48 आवर्स देन रिमूव, 48 तक रखते हैं फिर इसको रिमूव कर देते हैं। नथिंग पल ओरल कैन ब्रोकन 2/3 डे, मुँह से नहीं देते हैं जब तक 2 से 3 दिन तक। ड्रेन रिमूव 5th पोस्ट ऑपरेटिव डे, यानी 5th पोस्ट ऑपरेटिव डे में हम जो ड्रेन लगाते हैं उसको रिमूव करते हैं। एंटीबायोटिक चालू करते हैं, कोलेरेटिक एजेंट्स, फैट सोल्यूबल विटामिन सप्लीमेंट देते हैं ताकि डाइटरी मैनेजमेंट रहे, एंड ओरल स्टोरेज टेपर इज यूज कंटिन्यूअसली। पोस्ट ऑपरेटिव मेडिकल रेजिमेन आफ्टर हेपेटिक पोर्टियोटोरोस्टोमी, यूरसोडियोल यानी एक्टिगेल 10-50 मिलीग्राम kg पर डे के अनुसार, यानी दिन में 2 बार। ट्राईमेथोफोरिन सल्फो मेथाक्सोन 2.5 mg kg डे बेस्ड ऑन ट्राईमेथोफोरिन कंपोनेंट डोजिंग। विटामिन ADE के ड्रॉप्स 1 ml पर डे के हिसाब से। प्रेडिसोन 2 mg kg डे के अनुसार, टेपर ओवर 6 वीक्स। टिडबिट्स में क्या क्या होता है, पिगमेंट एंड स्टूल देयर इमिडिएटली विद द 10-14 days आफ्टर सर्जरी, सजेस्ट सक्सेसफुल बाइल फ्लो देयर द इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। नेक्स्ट हाफ विल कंटिन्यू ड्रेन विल बी एफिशियंट क्लियरेंस जॉन्डिस नॉर्मल डेवलपमेंट, दिस इज कंसिडर्ड केयर एंड लीवर ट्रांसप्लांटेशन इज नॉट नेसेसरी। इफ अदर हाफ लीवर फेलियर ऑफ इवेंचुअली डेवलप स्लोली देन लीवर ट्रांसप्लांट करते हैं। इन 50-30% अर्ली लीवर ट्रांसप्लांटेशन इज रिक्वायर्ड वेन टू ऑपरेट। गोल्स क्या होता है, इन टू ऑपरेट बिफोर 7-90 days ऑफ लाइफ। इट इज इम्पोर्टेंट नोट हाउर एथपेटिक पोर्टियोन टोरस्टोमी इज नॉट कॉन्ट्राइंडिकेट आफ्टर 90 days ऑफ एज। द स्टडी ऑल्डर चिल्ड्रन 100 days रिवील्ड एक्सेप्टेबल सर्वाइवल रेट्स सपोर्टिंग द यूज ऑफ द प्रोसीजर इफ पॉसिबल इवन द ओल्डर इन्फेंट्स। कॉम्प्लिकेशन क्या क्या होते हैं, कोलेंजाइटिस 33-60 ऑफ पेशेंट्स फॉलोइंग पोर्टियोन टोरोस्टोमी, ट्रीट विद आई वी फ्लूड्स, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स, कोलेरेटिक एजेंट्स एंड स्टेरॉइड्स, एनास्टोमोसिस फेलियर टू अचीव एडिक्यूट बाइल अडेरेंस, पोर्टल हाइपरटेंशन अगर इन मोर देन 34-70 ऑफ इन्फेंट्स, eventually required liver transplant, progressive liver disease, hepatocellular carcinoma, progressive fibrosis and bilary cirrhosis develop in children who do not drain bile, then liver transplantation is only option of long term survival। then topic is complete। bile atresia या biliary atresia। thank you everyone।